मैं प्रशासन को आपके ज़रिए से कहना चाहता है, ये घाट नंबर 53 है, ये मेरे नाम पे है ये ज़मीन, और यहाँ जो टावर जा रहे इसका मुबादला अभी तक मुझे मिला नहीं और इसका भी पंचनामा हुआ नहीं, और इसके बारे में मेरे को कुछ इत्तला दिए नहीं है लोगों ने, और ये काम शुरू कर दिए उन्होंने। जबकि कलेक्टर साहब का कहना है कि भाई इसका पूरा जो भी है मुबादला इसका निश्चित करो फिर काम शुरू करो, और काम को हमारा कोई अड़थड़ा नहीं है, काम में कोई रुकावट नहीं है, काम कर सकते हैं, मगर हमारा जो मुबादला है वो हमको मिलना, हमारा जो हक है। आपका बोलने का मतलब ये कि टावर खड़े होने से पहले, काम शुरू होने से पहले हमारा मुआवजा हमको दे देना चाहिए? जी, हमारा मुआवजा हमको मिल जाना। लगभग कितना मुआवजा आप मांग रहे हैं और गवर्नमेंट ने कितना पास किया, ऐसा कुछ हुआ होगा ना आपके बीच और प्रशासन के बीच? प्रशासन को हमने बोले एज पर रूल जितना कृषि विभाग से जितना भी होता एक पेड़ का उतना हमको मुआवजा होना, जो इतना भी वैल्यूएशन आता गवर्नमेंट का उसका मुआवजा होना हमको। उसकी अभी कॉपी दिए नहीं उन्होंने मेरे को कितना एक्वायर करना है उसकी, उन्होंने कितना लेने वाले हैं उसकी, हाँ उसकी बताई नहीं अभी मेरे को। सिर्फ यहाँ पे टावर के कॉलम खड़े करने के लिए आए हैं, सिर्फ टावर के कॉलम खड़े करने के लिए आए हो। लेकिन जैसा तो, सर एक में मार्किंग है दिखाई दे रही है तो उसके आपको अंदाजा लग रहा होगा ना कि आधा एकड़ पौन एकड़ कुछ तो जा रही होगा, आइडिया होगा ना आप खेती वाले हैं? नहीं तो ये मार्किंग भी गलत है, ये पहले उधर पंचनामा लिए उन्होंने, बाद में जगह शिफ्ट बदल दी उन्होंने, जगह चेंज करी उन्होंने इसकी। पहली मार्किंग उधर है जिसमें 150 झाड़ जा रहे हैं हमारे। तो अभी आप ये बताइए, अभी यहाँ पे तो काम करने के लिए वो आ चुके हैं जी, तो अभी आप आगे का कदम क्या है आपका? हमारा तो विरोध नहीं है, हमारा ये है कि भाई हमारे को जो मुआवजा है वो देना ये लोगों ने, फिर काम शुरू करना जी। काम को मुलाकात करेंगे आप इस सिलसिले में? जी कलेक्टर से मिलेंगे हम। क्या कहेंगे कलेक्टर को मिल के आप? क्योंकि कलेक्टर साहब के आर्डर की कापी है मेरे पास कि उनको जो है मुआवजा उनके पास जमा कराना था, इनको चेक दे के इन्होंने अभी तक चेक एक महीने के अंदर देना था, अभी तक इन्होंने जमा नहीं कराए। इसकी डायरेक्ट कलेक्टर साहब ने हियरिंग लिए थे, कलेक्टर साहब ने डायरेक्ट निर्देश दिए थे दोनों पार्टीज़ को कि भाई इनका जो भी है वैल्यूएशन निकाल के इनका मुआवजा दे। ये कौन सी कंपनी है जो काम कर रही है यहाँ पे? ये MACB। अच्छा, तो आप आपको नहीं लग रहा है कि कलेक्टर की जो है तो बात को नज़रअंदाज करते हुए काम कर रही है? जी वैसी लग रहा है, कलेक्टर की बात को नज़रअंदाज करते हुए काम चल रहा है। क्या अपील करेंगे चैनल के माध्यम से कि भाई ये भी जो भी काम हो रहा है इसको जो है इसको सही करें, और ये कलेक्टर साहब तक मेरी जो है ये बात पहुंचाए कि भाई इसका मुआवजा अभी तक मिला नहीं और इनके आर्डर के खिलाफ ये काम चल रहा। आपका नाम बोलिए पूरा और ये गांव का क्या नाम है, कहाँ के रहवासी हैं आप? मेरा नाम सिराजुद्दीन अंसारी अब्दुल रऊफ, घाट नंबर 53, मैं यहीं का रहवासी हूँ, नायगाँव। सर आपका नाम और आपकी पोस्ट बताइए। सर मैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से हूँ और उनको मुआवजा एक महीने के अंदर मिलना था, 24 तारीख को कलेक्टर का ऑर्डर आया है तो अभी 24 तारीख को उनका मुआवजा मिल जाएगा। ये जो यहाँ पे काम हो रहा है ये किसका काम हो रहा है? ये मेगा इंजीनियरिंग से MACB का काम हो रहा है जी। अभी इनका कहना ये है कि मेरे को काम यहाँ पे जो हो रहा है मेरे खेत में, मेरी कोई रोक टोक नहीं है लेकिन मुझे पहले मुआवजा मिल जाता तो बेहतर होता। तो मुआवजे की तारीख कैसे है? निकाला था, हाँ, कि इनको मुआवजा जो था एक महीने के अंदर देना है, तो 24 तारीख को ऑर्डर आया है तो मुआवजा एक महीने के अंदर 24 तारीख तक मिल जाएगा। इनका दूसरा आरोप ये है कि आपने मार्किंग पहले एक जगह पे किए थे और अभी टावर के लिए आप कॉलम एक जगह पे लगा रही है, क्या है? वो पहले जो मार्किंग किया था वहाँ पे टावर बैठ नहीं रहा था इसलिए मार्किंग चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट किया है। इत्तला आपने कलेक्टर को दी है? नहीं उसका नहीं दिया, पहले एक्चुअली टावर इधर ही था, ये खेती वाले बोल रहे हैं कि हमारा टावर वो साइड में चाहिए। अच्छा, तो जो एक्चुअली टावर तो खेती वाले का कहना है कि वो हमें उधर ही टावर चाहिए, तो इसलिए उधर देखा मार्किंग डाला लेकिन उधर कुछ तो टावर बैठ रहा नहीं है, तो अभी टावर जो ओरिजिनल जिधर आ रहा है उधर ही हम बिठा रहे हैं उसको। रूल के मुताबिक आपने पहले जब पंचनामा किए वहीं पे आप टावर बिठाएंगे, अगर दूसरी जगह बिठाने तो वहाँ का दूसरा पंचनामा होगा। हाँ वही तो है ना, पंचनामा किए क्या? हाँ दूसरा हम कर रहे हैं ना पंचनामा, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे खेती वाले, जो अभी जिधर ओरिजिनल जहाँ पे टावर आने वाला है उधर पंचनामा होगा। हाँ वो पंचनामा होगा ना, तो जब पंचनामा, हाँ उसके बाद ही काम चालू होगा, और जब तक नुकसान होता नहीं तब तक उनको पैसा मिलेगा नहीं, जब तक नुकसान के बाद ही उनका वैल्यूएशन निकलता है। अच्छा, कितना नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है उसके वजह से। दूसरा ये बताइए कितनी जगह आप लोग यहाँ पे आप ले रहे हैं आप, और अलॉटमेंट कितना हुआ? अभी लगभग अभी इसका मुआवजा तो हमारे पास नहीं है, अभी MACB वाला साहब इधर नहीं है, अंदाजा अभी नुकसान तो इनका लगभग 2 घंटे में हो जाएगा, नुकसान होगा। हाँ तो अभी एक्चुअली जितना उनका एकर होगा जमीन इसमें टावर में जाएगा वो मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ।
तो इनका मुआवजा मिलने में क्यों रुकावट आ रही थी? जब अभी तक तो उधर में रुकावट नहीं, तो अभी अभी काम अभी आज ही चालू हो रहा है इधर, अभी तक काम चालू नहीं किया, इसके वजह से रुका था। अभी आज कल हुआ एमएससी वाला साहब आ जाएगा, पंचनामा हो जाएगा और एक, उसके बाद उनका मुआवजा मिल जाएगा उनको। आपका नाम बोलिए? जादव, ज्ञानेश्वर जादव। संतोष जादव। पोस्ट? पोस्ट साइट सुपरवाइजर।